आज अभी मैं आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो क्लिप सुनवाने वाला हूं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने वाले होते हैं लोकेश शर्मा। बड़े गंभीर प्रवृत्ति का आरोप लगा रहे हैं और गंभीर आरोपों के घेरे में हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और लोकेश शर्मा ना भाजपा के हैं, ना किसी कांग्रेस के विरोधी राजनीतिक दल के हैं, ना गहलोत के किसी विरोधी खेमे के हैं। कमाल की बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री के लंबे समय तक जो ओएसडी रहे उनका नाम होता है लोकेश शर्मा। ओएसडी का मतलब आप समझिए कि बड़े विश्वस्त। और आज उन्हीं के वो पूर्व विश्वस्त गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और उन आरोपों के घेरे में गहलोत हैं। आरोप सीधे सीधे फोन टैपिंग प्रकरण से जुड़े हुए हैं, जब सरकार को बचाने के लिए तमाम चीज़ें चल रही थी, जिनके कानूनी कार्रवाई भी चल रही है, उसमें लोकेश शर्मा बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये सारी की सारी जो कवायदे चली, ये करने के लिए मुझे अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया था। साथ ही बड़े स्पष्ट तौर पर एक बातचीत सुनवाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये संवाद उनके और अशोक गहलोत के बीच का है। उसमें अशोक गहलोत उन फोन को नष्ट करने की बात करते सुनाई देते हैं, तमाम ये पेन ड्राइव और रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो की रिकॉर्डिंग्स की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है, मगर उन्होंने एक संवाद, एक बातचीत सुनाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आखिर में ये कहा है कि सारी कोशिश है सिर्फ इसलिए थी कि अपनी सरकार बचाई जा सके। हालांकि उन्होंने अपनी सरकार को बचा लिया, मगर मेरे जैसे लोग फंस गए हैं, पुलिस मुकदमों में परेशान हो रहे हैं, तो इसके चलते मुझे आज ये तमाम खुलासे करने पड़ रहे हैं। तो ये बातचीत सुना उससे पहले यह भी तय है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पर सवाल भी खड़े होंगे, इसकी जो टाइमिंग है, क्योंकि अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं और मात्र एक दिन बाद अब चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो समय चुना गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे कहीं कोई राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि लोकेश शर्मा स्वयं भी विधानसभा के दौर में अपने लिए अवसर मांग रहे थे, उनको अवसर नहीं दिया जाता है, नाराजगियों का दौर वहीं से शुरू होता है। तो क्या खुद को अवसर नहीं देने की ये भरपाई वैभव गहलोत को इन आरोपों के माध्यम से चुनाव में खामियाजा या नुकसान पहुंचाकर कोशिश की जा रही है, या फिर पर्दे के पीछे के कलाकार कुछ और हैं, पर्दे के पीछे के कुछ चेहरे और हैं जो आज लोकेश शर्मा के माध्यम से अपने राजनीतिक दावपेच खेल रहे हैं। इन पूरे के पूरे आरोपों की पुष्टि कैसे होगी ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, मगर इस बात में कहीं कोई दोहराव नहीं कि गंभीर प्रवृत्ति के आरोप हैं, गहलोत को इनके जवाब देने चाहिए, और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो उसकी एक समुचित जाँच होनी चाहिए। सुनिए आखिर लोकेश शर्मा पूर्व ओएसडी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते क्या है। सभी हमारे मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार। आज बहुत बेहद भारी मन से मुझे सच्चाई को लेकर आप साहब के सामने उपस्थित होना पड़ा है। भारी मन इसलिए क्योंकि जिस विषय को लेकर पिछले 3 साल से 8-8, 9-9 घंटे की क्राइम ब्रांच की पूछताछ होने के बावजूद जो शख्स नहीं टूटा, नहीं झुका और नहीं बोला, आज मजबूर हो गया उस सच को आप सबके सामने लाने के लिए। क्यों मजबूर हो गया? क्योंकि जिस व्यक्ति का ये सारा कारनामा था, उस व्यक्ति ने इन सब चीजों से किनारा कर लिया। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जिसकी ऑनरशिप होती है अगर वो खुद किनारा कर ले तो जिसके माथे वो मढ़ा गया है तो उस बोझ को लेकर कब तक चलेगा। ये मेरी मजबूरी हो गई कि जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, जो काम मैंने किया ही नहीं, उस बोझ को लेकर मैं कब तक आगे बढ़ सकता हूं। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में मुझे भरोसा दिलाया गया था कि आप चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जो व्यक्ति ये बात करते थे आज उन्होंने इस केस से संबंधित बात तक करना बंद कर दिया, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा। पिछले 3 वर्ष से लगातार प्रताड़ना झेल रहा हूं, कभी 8 घंटे, कभी 9 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 10 घंटे, ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मैं देता हूं, और जिसने आज तक जो कहा, जो निर्देश मिले, सिर्फ उन्हीं की पालना की। लेकिन आज इस स्थिति में पहुंच गया हूं कि मैं इस प्रताड़ना को और इस मानसिक टॉर्चर को मैं और मेरा परिवार क्यों बर्दाश्त करें। जिन परिस्थितियों में वो सारे काम हुए उस वक्त मेरी जिम्मेदारी थी
कि मैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करूं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मुझ पे भरोसा करके अपनी कोई चीज सौंपी थी और मेरा दायित्व तो बनता था कि मैं उस भरोसे को बरकरार रखूं, और मैंने वो आज तक किया भी। मैंने पूरी तरह से उस भरोसे को बरकरार रखा, उसे बनाए रखा। आज तक आप सभी के सामने ये कहता रहा कि ये सारे की सारी जो घटनाएं हैं, ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं, ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला। जब भी आप लोगों ने मुझसे पूछा या किसी भी जांच एजेंसी ने मुझसे पूछा, मैंने हर बार एक ही जवाब दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये क्लिप्स मिली। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है, 16 जुलाई 2020 को शाम को कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई आपके माध्यम से, क्योंकि मैंने अपने फोन नंबर 9829620202 से आप सभी मीडिया के साथियों को वो ऑडियो क्लिप्स भेजी थी। उन ऑडियो क्लिप्स में कथित रूप से खरीद फरोख्त कर, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही, और मुझे जो कहा गया मैंने वो किया। अब घटना इस तरह से थी, 16 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होटल फेयरमाउंट आए थे, क्योंकि उस क्राइसिस के दौरान जो विधायक इस तरफ थे उन सभी को बाड़ेबंदी के रूप में होटल फेयरमाउंट में रखा हुआ था, और लगभग दोनों समय सुबह और शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां आते थे, बातचीत करते थे, और ये उनका रूटीन था। 16 जुलाई 2020 को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वो होटल फेयरमाउंट से निकल गए। उनके जाने के एक घंटे बाद उनके पीएसओ रामनिवास का मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत आइए मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। मैं वहां से 10 मिनट बाद निकला और सीधा मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। क्योंकि कूकस बड़ी दूरी पे स्थित है, आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है, उस दौरान भी मेरे पास 3 से 4 बार रामनिवास के फोन आए कि आप अभी तक पहुंचे नहीं। मैं तुरंत जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि पिंक हाउस के चैम्बर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, इस वाक्य को नोट कीजिएगा सभी, जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया। इस पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी जिसको मैंने आप सभी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये वो पेन ड्राइव है और ये वो एक स्क्रिप्टेड टाइप पेपर है। आप सभी को याद होगा कि उस दिन मैंने ऑडियो क्लिप्स के साथ एक ये पेपर भी भेजा था। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया था। और इस पेनड्राइव में ये सारी चीजें थी। पेनड्राइव और ये पेपर देकर मुझे कहा कि तुरंत जाइए और मीडिया को ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दीजिए। अब चूंकि पेनड्राइव से तो सीधे सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, मैं इस पेनड्राइव को लेकर तुरंत घर आया। घर आके मैंने इस लैपटॉप में इसको ट्रांसफर किया। और लैपटॉप से मैंने ऑडियो क्लिप्स को अपने फोन में लिया और उस फोन के द्वारा आप सभी को, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, उनको मैंने वो ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट की। तो ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए, और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी
और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई उसके बाद मुकदमे दायर हुए और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। हम सभी ने सुना कि हमारे नौजवान नेता तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने ये कहा कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, हम लोग अपनी बात कहना चाहते थे, इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर अपनी बात को कहने के लिए वही तरीका हमें मुफीद लगा, हम लोग इकट्ठे हुए और आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता लगा तो ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। जो लोग उनके साथ गए थे उन सभी के फोन्स सर्विलांस पे थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था इंक्लूडिंग सचिन पायलट, और जब ट्रैकिंग की जा रही थी तो ये पता लग रहा था लगातार कि कौन कहां किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। तो आप सभी को याद होगा कि तीन विधायकों के साथ डील करके उनकी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने ही करवाई थी। आप सभी लोगों को आमंत्रित किया, रात को 2:30 बजे परेशान किया, आप सब लोग वहां आए और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये पूरी तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया ये ऑडियो क्लिप्स कहां से आई। अब इसकी एक बानगी आपको सुनवाना चाहता हूं, सभी लोग उसको सुनिएगा एक बार। सुना आपने, मैंने तुम्हें जो दिया था वो यूज किया है। सुनिएगा, पेन ड्राइव को मैंने लैपटॉप पे लिया था। से पूछा गया कि वो फोन डैमेज कर दिया ना? हाँ, जिस फोन से मैंने भेजा था उस फोन को डैमेज कर दिया था। अपने भेजा फोन से था ना सर,
इसलिए लैपटॉप का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट ही शो नहीं होगा कहीं पे भी। हाँ भाई, जब मेरा यूज ही मेरा फोन हुआ था तो वो तो इशू ये होता है कि फोन में कहाँ से आया, तो अपने तो ना तो पेन ड्राइव की बात है ना लैपटॉप की बात है, मेरे पास व्हाट्सएप कुछ है। नहीं, वो तो सब मैंने कॉपी किया था लैपटॉप से, तो लैपटॉप से तो मेमोरी में कॉपी किया था उसको। मैं कर दूंगा सर उसको। जी सर, जी सर। नहीं सर, वो इसी बार मीडिया को तो वही कहा था सारा मैंने, इस तरीके से मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से शाम तक चल रहा था और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, क्योंकि मैं कई ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ जिनमें लगातार मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक कभी वीडियोस आते हैं, कभी ऑडियो आते हैं, कभी उसमें ग्राफिक आते हैं, कभी टेक्स्ट आते हैं, मैसेज आते रहते हैं। उसमें भी आते हैं ना साहब, डेली के लगभग 40 से 50 हजार मैसेज आते हैं साहब। तो मेरा टेक्निकल पॉइंट भी मेरा यही है कि लगभग 40 से 50 हजार मैसेज डेली आते हैं, तो मेरे को हर 2-3 दिन में उनको डिलीट करना पड़ता है, नहीं तो मेरा फोन काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए अब तो ये बता ही नहीं सकता कि वो कौन से ग्रुप में आया था। अब फोन तो जी नहीं, उनको फोन से आया ये पता नहीं लगता, मेरा नंबर काम में आया, बस मेरा नंबर से आया वो पता लगता था। नहीं, नंबर तो मेरा वही काम में ले रहा था। नंबर जो मेरा ये है 20202 का, इसी उस वक्त भी वही था और नंबर मेरा आज भी वही है। वो डिवाइस अपने डिस्ट्रॉय किया था, जो हैंडसेट था अपना, हैंडसेट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। नंबर वही है, नंबर पे ये पता नहीं लगता कि किसने क्या भेजा है। नहीं, नंबर से नहीं मालूम पड़ता सर। इंस्ट्रूमेंट पे तो उस इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज आई इंस्ट्रूमेंट में तो होता है सर कि कौन कौन सी चीज कि कौन कौन उसमें कि कॉपी किया वो मालूम पड़ सकता है, अगर उसको चेक करें कि ये कॉपी किया आया था तो कॉपी है। हाँ जी जी सर जी, सुना आप लोगों ने उनको वायरल करने के बाद भी खबर नहीं आई, तब तक मुख्यमंत्री जी ने मुझे 2 बार व्हाट्सएप कॉल करके ये पूछा कि अभी तक न्यूज में चला क्यों नहीं। मैंने कहा साहब अभी भेजा है, थोड़ा सा समय लगेगा, और जैसे ही वो खबर आई तब मुझे पता लगा कि इन ऑडियो क्लिप्स में है क्या, अन्यथा मुझे ये तक पता नहीं था कि इसमें क्या है, ऑडियो क्लिप्स किस चीज से संबंधित है। मुझे डायरेक्शन दिए गए और मैंने उनकी पालना की। ये आपने अभी एक इस ऑडियो में भी सुना कि मुख्यमंत्री जी किस तरह से मुझे ये पूछ रहे हैं कि आपने वही काम में लिया जो मैंने भेजा था, मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने वो हैंडसेट तो डिस्ट्रॉय कर दिया ना जिससे आपने सारे मीडिया के साथियों को वो क्लिप्स भेजी थी। मैंने कहा वो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मुझसे मेरा वो हैंडसेट डिस्ट्रॉय करवाया, लैपटॉप इसलिए बच गया क्योंकि इसका सीधा इन्वॉल्वमेंट कहीं शो नहीं हो रहा था। मुझे ये कहा कि इसे किसी अन्य राज्य में भेज दो, आपने उस क्लिप में सुना अभी, या इसे मेरे पास भिजवा दो, मैं आपको नया लैपटॉप दे दूंगा। साहब लैपटॉप की तो मुझे जरूरत है नहीं, लैपटॉप काफी है हमारे पास। तो ये सारी की सारी चीजें, अब इससे बड़ा सबूत किसे चाहिए। ऑडियो क्लिप कितनी? 3 ऑडियो क्लिप्स थी, उनमें जो वार्तालाप थी वो स्पष्ट रूप से मुझे नहीं पता किसकी थी किसकी नहीं थी। मुझे ये पेपर दिया गया जिसमें ये लिखा हुआ था कि गजेंद्र सिंह शेखावत बात कर रहे हैं बाकी के लोगों के साथ। ये पेपर, ये पेन ड्राइव
और ये जो अभी आपने ऑडियो क्लिप सुनी, इससे पूरी तरह से आपको ये पता लग गया होगा कि ये पूरी की पूरी जो कहानी थी वो कहां से शुरू हुई, किसने की, और किसने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए मुझे काम में लिया। मैं अपने जो गुरु हैं, राजनीतिक गुरु जिनको मैं मानता था, बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं। साफ दिल के इसलिए कि मुझे हर बार कहा करते थे कि तू मेरी तरह सबको काम में लिया कर। मुझे आज ये पता लग गया कि मैं कैसे काम में आ गया। बस एक यही चीज मैं नहीं सीख पाया कि तू मेरी तरह सबको काम में लिया कर। तो ये मेरी कमजोरी रही कि मैं इतने बड़े गुण को नहीं सीख पाया। अब एक और बात बताता हूं आपको कि जब ये सारी बातें हो गई, उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आपने फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया ना, और मैंने हाँ भर लिया, लेकिन मुझे लगता है उनके दिल में कहीं ना कहीं इस बात का वहम था या डर था कि शायद उसने उस मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो 26 नवंबर 2021 को, 26 नवंबर 2021 को इसी ऑफिस में जिसमें आप लोग बैठे हैं, मेरे इस ऑफिस में एसओजी की रेट बढ़वाई उस व्यक्ति ने जिसके लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। मैंने किस तरह से बर्दाश्त किया होगा कि मेरे कार्यालय में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के लिए काम करता है उसके कार्यालय में एसओजी की रेड या बाहर पुलिस की गाड़ियां, एसओजी की टीम और मेरे पूरे ऑफिस को खंगाल लिया जब उन्हें वो मोबाइल डिवाइस नहीं मिला। तब जाके तसल्ली हुई कि हाँ, वो डिवाइस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और उनकी सच्चाई कि वो किस तरह अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों को उपयोग में लेते हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग में लेते हैं, और बाद में कैसे उनसे किनारा कर लेते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती जिस तरह से मुझे शुरुआत में कहा जाता था कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, आप चिंता मत करो। तो उसके बाद क्यों बदल गए? क्यों उन्होंने इसके बारे में बातचीत करना बंद कर दिया? क्यों मुझे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया? क्यों कभी भी इस केस को लेकर कोई चर्चा क्यों नहीं की? क्योंकि सरकार बच गई थी। जिनको मुख्यमंत्री रहना था वो मुख्यमंत्री रहे, जिनको मंत्री बने रहना था वो मंत्री बने रहे, और कार्यकाल पूरा हुआ। तो जब कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद कोई आवश्यकता ही नहीं बची कि अब इसके बारे में बात भी की जाए। तो मैं कहां जाऊंगा भाई, जिसके ऊपर इतना बड़ा केस लगा हुआ कि 2000 मार्च 2021 में दिल्ली में मेरे ऊपर जो केस दर्ज हुआ, पिछले 3 साल से लगातार मैं उसे झेल रहा हूं और मेरा परिवार उसे झेल रहा है। क्या बीतती होगी उन लोगों पर जब मैं सुबह 8 बजे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में घुसता हूं और रात को 8 बजे निकलता हूं, मेरी कोई खैर खबर किसी को नहीं होती, ये तक पता नहीं होता कि मैं वहां किस स्थिति में हूं, क्या कर रहा हूं, मैं सहकुशल हूं या नहीं हूं। तो इन सब चीजों की वजह से आज मजबूर होकर मुझे ये खुलासा करना पड़ रहा है कि ये कृत्य और ये काम मैंने नहीं किया। मैंने शुरू से आप सभी लोगों को ये कहा कि इस रिकॉर्डिंग में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, इंटरसेप्शन उन्होंने करवाया और वो इंटरसेप्टेड क्लिप्स को इस पेनड्राइव के जरिए मुझे दिया और मुझसे आप लोगों तक पहुंचवाया, और उसके बाद पूरे प्रदेश की जनता को ये जताने का प्रयास किया कि मेरी चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है, और वो उस प्रयास में सफल भी हुए। आप सबके सामने है, कार्यकाल पूरा कर लिया, इससे बड़ी सफलता और क्या हो।